नाते सरकार, मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ। वाह वाह वाह, मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد ابن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم وعن ميمون الكردي رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى يبلغ عشر مرار أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه فمات ولم يؤدي دينه حتى لقي الله وهو سارق أو كما قال عليه الصلاة والسلام باوقار صدر اجلاس قابل احترام علماء عظام معزز حاضرین جلسہ نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں مدرسہ حسان ابن سامیہ کے مدرسہ حسان ابن ثابت کے عزیز طلبہ پردہ نشین ماؤں بہنوں آپ کے اس اجلاس کا دو عنوان ایک یہ ہے کہ تعلیمی مظاہرہ وہ بعد نماز مغرب تا عشاء آپ کے سامنے آ چکا جامعہ حسان ابن ثابت کے عزیز طلبہ نے آپ کے سامنے مختلف پیرائے میں تعلیمی مظاہرہ کیا اب دوسری اور آخری کڑی رہ گئی ہے اصلاح معاشرہ سے متعلق گویا آنے والے مقررین کو اسی اصلاح معاشرہ سے متعلق باتیں عرض کرنی ہیں اور میں نے بھی اسی سلسلے کی آیت کا بھی اور حدیث پاک کا بھی انتخاب کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں مدرسہ امجدیہ بھدیہ کے بعد اس کردہ علاقے میں ضرورت تھی ایک ایسے ادارے کی جس ادارے میں قرآن و سنت کی تعلیم دے کر افراد انسانی کو سنوارا جائے بنایا جائے اور امت کی اصلاح کے لیے تیار کیا جائے
अल्लाह रब्बुल इज्जत अफराद का इंतखाब करता है किससे क्या काम लेना है। ये हम लोगों की नज़र में अभी नौखेज उम्र ये मौलाना आरिफ साहब हैं जिन्होंने इस इदारे को कायम किया और आज आपने उनकी खिदमात और उनकी कारकर्दगी अपनी निगाहों से देखा और समझा और बूझा। मेरे भाइयों, इस्लाहे मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह यानी समाज में, सोसाइटी में, मुसलमानों की ज़िंदगी में कुछ बुराइयां ऐसी होंगी, कुछ खामियां और कमियां ऐसी होंगी, उन खामियों को, उन कमियों को, उन बुराइयों को दूर किया जाए और कुरान व सुन्नत की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में ये बात वाज़ेह कर दी जाए कि मुस्लिम माशरे में जो ये अमल है कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ है, इस अमल को बदलना चाहिए और कुरान व सुन्नत की रोशनी में आना चाहिए। तो यकीनन आप भी इससे ज़रूर मुत्तफिक होंगे कि कुछ आमाल ऐसे हैं जिनसे हमको दूर रहना चाहिए, जिन आमाल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमने उन्हीं आमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। ये बुराई है, ये खामी है, ये कमी है। और कुछ आमाल ऐसे हैं कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिन आमाल को इख्तियार करने की ज़रूरत है और उन आमाल को बजा लाने ही में अपने ईमान की शान भी सामने आती है और हमारा इस्लाम भी कामिल व मुकम्मल होता है। लेकिन आज गफलत से, हिमाकत से, बेवकूफ़ी से हमने उन आमाल को पसे पुश्त डाल दिया है, अपनी ज़िंदगी में हमने उन आमाल को लागू नहीं किया है। तो जो काम करने के थे उन कामों को हमने छोड़ दिया है और जिन कामों को छोड़ देना चाहिए था उन्हीं कामों में हम लगे हुए हैं। यही बुराई है माशरे की। और इसी बुराई को दूर करने के लिए ये आपका ये अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद हुआ है और जितने भी उलमाए किराम आएंगे निशानदेही ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इब्तदाई बयान है, ये इफ्तिताही तकरीर है। अब आइए, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है, 26वें पारे में सूरह मुहम्मद है, उसी सूरह मुहम्मद के अंदर ये आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो कामों के करने का यहाँ हुक्म फरमाया और एक काम को छोड़ने का हुक्म दिया। मैंने आपको बतलाया था शुरू में, कुछ अमाल करने के हैं वो छूटे हुए हैं, जो अमाल छोड़ने के थे वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के अहकाम को ज़िंदा करो, अल्लाह के कानून को अपनी ज़िंदगी में लागू करो, व अतीउर रसूल और रसूल की भी फरमाबरदारी करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों के करने का ताकीदी हुक्म दिया है उन कामों को बजा लाओ। ये दो काम है, अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ईमान की शान को बढ़ाने वाली हैं, अल्लाह की कुर्बत को दिलाने वाली चीज़ें हैं। कोई भी मोमिन अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं बन सकता जब तक के उसकी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी ना आ जाए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इताअत व फरमाबरदारी है वो भी बेअैन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत व फरमाबरदारी है। तो अब हमें अल्लाह की भी इताअत करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करनी है। अल्लाह की इताअत अल्लाह की ज़ात की अजमत को सामने रख कर करनी है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नबी की ज़ात से मोहब्बत करके इताअत करनी है। अल्लाह की अजमत दिल के अंदर आए फिर अल्लाह की इताअत की जाए, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा की जाए फिर रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी की जाए। ये वो दो अमल ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, और इन्हीं दोनों अमाल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाने का फैसला भी कर लिया है, और दुनिया की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाने का अल्लाह ने वादा फरमाया है, और इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत के मनाजिर और जन्नत की मनाजिल और जन्नत के सारी चीज़ें वो जिन्होंने जिन चीज़ों को हमारी आँखों ने देखा नहीं, जिन चीज़ों को हमारे कानों ने सुना नहीं, और जिन चीज़ों का जायका हमारी ज़ुबान ने अब तक चखा नहीं, और जिन चीज़ों का तसव्वुर हमारे और आपके दिलो दिमाग ने अब तक किया नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं दोनों आमाल की बरकत से वो सारी की सारी चीज़ें जन्नत में हम सबको अता फरमाने वाले हैं। जो कोई जन्नत के आला मकाम पर फायज होना चाहता है, अल्लाह की नज़र में महबूब बनना चाहता है, मेरे भाइयों इन दोनों चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, इसके बगैर ये चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। और जिस चीज़ से अल्लाह के ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है वो इस आयत की आखिरी कड़ी है वला तुबतिलु अमालकुम, अपने आमाल को बर्बाद न करो, अपने आमाल को ज़ाया न करो। हमारे नेक आमाल जिनको हमने इंतहाई कोशिश इंतहाई मेहनत इंतहाई लगन के नतीजे में अंजाम दिए हैं, वो आमाल ऐसे हैं कि हम करके हम मुतमईन न हो जाएं, बल्कि उन आमाल को बजा लाने के बाद उन आमाल सालेहा की हिफाजत की भी फिक्र हम ही करने हैं। अल्लाह का हुक्म मानकर मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसकी हिफाजत की फिक्र करें कि जो अमल किया है ये अमल महफूज रहे सेफ रहे, और जब हम जन्नत में जाएं तो उसका अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आए। बहुत सारे मोमिनों के मुसलमानों के आमाल ज़ाया हो जाते हैं, और अगर इसको समझना है तो इन आसान अल्फाज में समझिए कि बहुत सारे नमाजियों की नमाज भी ज़ाया हो जाती है, बहुत सारे रोज़ादारों के रोज़े भी ज़ाया हो जाते हैं, बहुत सारे हुज्जाज कराम के हज और उम्रा के अरकान भी ज़ाया हो जाते हैं। ज़कात सदक़ात व खैरात पर जो पैसे खर्च किए गए हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनका अजर व सवाब भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो अब समझने की ज़रूरत यह है कि हमारे आमाल बर्बाद कैसे होते हैं, और फिर ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे ये किए हुए नेक अमाल ये अंजाम दिए गए ये नेक अमाल महफूज कैसे रहें, ताकि इन अमाल का पूरा पूरा फ़ायदा इस दुनिया के अंदर अगर नहीं तो कम से कम आखिरत के अंदर हमें और आपको मिल जाए। तो ये समझना चाहेंगे आप हजरात, तीन चीज़ें हैं, उन तीन चीज़ों से हमारे अमाल बर्बाद होते हैं। सबसे पहली चीज़ शिर्क है, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना, उसके अफ़आल में उसके सिफात में अल्लाह के लिए किसी को मददगार तसव्वुर करना, ये तसव्वुर लाना कि अल्लाह इस काम को उस फलां के बगैर कर नहीं सकता है, जब तक हम उसको शामिल नहीं करेगा तब तक अल्लाह पाक उस अमल को कर नहीं सकता है, मेरे भाइयों ये तौहीद को ख़राब करने वाली चीज़ है। अल्लाह खालिक कौनो मकान है, अल्लाह रब्बुस समावात वल अर्ज है, खालिक कायनात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ती ने दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों को वजूद बख्शा है। अल्लाह पाक कैसा है, अल्लाहु अहद, अल्लाह तन्हा है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेले हैं, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, लम यलिद वलम युलद अल्लाह किसी का बाप भी नहीं है और अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। ये तौहीद है मेरे भाइयों, ये तौहीद जिस पर हमने ईमान कबूल किया है, यकीन कामिल किया है, हमारी ये तौहीद महफूज रहे। इस तौहीद को मिटाने वाली चीज शिर्क है। इसलिए सबसे पहली चीज जो हमारे अमाल को बर्बाद करने वाली है वो शिर्क है। और इसीलिए अल्लाह पाक ने फैसला फरमा दिया है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क करने वाले की बख्शिश कभी नहीं फरमाएंगे, और यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा कुछ गुनाह हैं, कुछ बुराइयां हैं, ये उम्मत करेगी लेकिन शिर्क से हटकर उन अमाल को बताएगी और करेगी, गुनाह का काम करेगी, शिर्क से महफूज रख करके कुछ गुनाह हैं तो उन गुनाहों को अल्लाह पाक चाहेंगे, जो उसके हुकूक में से है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्श सकता है, कि उसकी मेहरबानी है, उसको इख्तियार है। लेकिन यहाँ भी गुनाह दो तरह का है, एक गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, अल्लाह पाक ने उसी के बारे में फरमाया वयग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, मेरे हुकूक को तुमने ज़ाया किया है, मेरा इख्तियार है, चाहूँगा तो माफ़ भी कर दूंगा और चाहूँगा तो उसकी सज़ा भी दूंगा। लेकिन वो गुनाह जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, जब तक हक वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तब मेरी बारगाह में भी तुम्हारी माफ़ी नहीं है। तो हमें दो चीज़ समझना है, अब एक हुकूकुल्लाह को भी समझना है, हुकूकुल इबाद को भी समझना है, इंशाअल्लाह उसी पर बात होगी। और दूसरी चीज़ जो हमारे आमाल को बर्बाद करने वाले हैं वो कौन सी दूसरी चीज़ है मेरे भाइयों? वो दूसरी चीज़ है गुनाह, चाहे उस गुनाह का ताल्लुक किसी भी चीज़ से हो, और वो अल्लाह के मखलूक को तकलीफ़ पहुंचाना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मुस्लिम हो या नन मुस्लिम हो। हमारी शरीयत ने वाज़े तौर पर इस बात को बता दिया है, जो भी अल्लाह की मखलूक है, हमारे अल्लाह की मखलूक को हमारी ज़ात से, हमारे हाथ से, हमारे पाँव से, ज़ुबान से, दिलो दिमाग से, किसी को भी इंसान को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे मुसलमान हो के चाहे नन मुस्लिम हो। हमारे मस्ती में मुसलमान भी रहते हैं, हमें उन्हें भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। हमारे गाँव में नन मुस्लिम भी रहते हैं, हमें कोई हक नहीं पहुंचता है कि मजहब उनका हमारे मजहब से मेल नहीं खाता है, इस बुनियाद पर हम उन्हें तकलीफ पहुंचाए, हमें इसका हक अल्लाह पाक ने कभी नहीं दिया है। सरवरे कौनैन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ भी बैठकर गुफ्तगू फरमाई है, यहूदियों की आपने मेज़बानी फरमाई है, एहतराम के साथ आपने बैठाया है, उन्हें खाना खिलाया है, उनकी बातें समाअत फरमाई हैं, उनके मसाइल को भी हल फरमाया है, और हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुलूब को खुश करने की कोशिश फरमाई है। आज यही नबी की सुन्नत है कि आज हम भी इसी पर चलें। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आमाल को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना है, नमाजी को भी, हाजी को भी, आलिम दीन को भी, कारी खुशुलहान को भी, हाफिज़ कुरान को भी, आपको भी, मुसलमान को, हर मुसलमान को इन दो चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर आपके किए हुए आमाल, आपके अंजाम दिए हुए आमाल महफूज रहेंगे, और उन आमाल का बदला आपको जन्नत में मिलेगा, और उसका अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा, इसके अच्छे असरात दुनिया के अंदर भी मुरतब होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी, आपके लिए भी, आपकी नस्ल के लिए भी, और नस्ल दर नस्ल के लिए भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। अब हमें और आपको ये बताना है कि हुकूकुल इबाद में से क्या है। दो चीज़ों को मैंने सामने रखा है आज दोस्तों, दो चीज़ों को हम इसमें मुलविस हैं। दो चीज़ों में से पहली चीज़ क्या है? ज़रूरत पड़ती है हमें
तो हम किसी से कर्ज लेते हैं, चाहे कम पैसे लेते हों कि ज्यादा लेते हों, इंतहाई मजबूरी के वक्त में लेते हों या शौकिया लेते हों। लेकिन आज हर मुसलमान मुसलमान से भी कर्ज लेता है, गैर मुस्लिमों से भी कर्ज लेता है। मुसलमान दुकानदार से उधार में सामान लेता है और गैर मुस्लिम दुकानदार की दुकान से भी सामानों को उधार में लेता है। ये कर्ज है, कर्ज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है कर्ज से। आपने दुआ में फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह कब्र के अज़ाब से हम आपसे पनाह मांगते हैं, आप इसमें हमारी हिफाजत फरमाइए। व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल फ़क़्र, और तंगदस्ती से भी आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हिफाजत में रखिए। और व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और जो क़यामत से पहले पहले पूर्व क़यामत में एक बड़ा दज्जाल का फितना सामने आएगा, अल्लाह के नबी ने उस बड़े दज्जाल के फितने से भी अल्लाह से हिफाजत की दुआ की है। और अभी जो दज्जाल चल रहे हैं उन दज्जालों से भी हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, चाहे वो शकील इब्ने हनीफ जैसा मुर्तद इंसान हो, या गुलाम अहमद कादियानी की टीम हो, या फिर ये वसीम रिजवी हो, तस्लीमा नसरीन हो, सलमान रुश्दी हो, ये सब के सब क़यामत से पहले के ये छोटे छोटे दज्जाल हैं, इनके भी फितने पूरी जिंदगी दुनिया के अंदर रूनमा हो रहे हैं। इन फितनों से भी हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। और बड़ा जो फितना बड़े दज्जाल का क़यामत से पहले पहले आने वाला है, उससे भी अल्लाह की पनाह हमें मांगनी चाहिए। हम क्या होते हैं, हमारे नबी ने भी पनाह मांगी है। और किन चीज़ों से पनाह मांगी, व नऊज़ु बिका मिन अल मअसमी वल मगरम, ए अल्लाह गुनाहों से भी हमारी हिफाजत फरमाइए और कर्ज से भी हमारी हिफाजत फरमाइए। इसकी नौबत ना आने पाए, हम कर्ज लें और कर्ज के गुनाह के अंदर मुबतला हो जाएं, यानी जिससे लें हम उसको अदा ना कर पाए, उसका कर्ज अपने सर पर लेकर आखिरत में जाएं और तेरी नाराजगी मोल ले। मेरे पाक परवरदिगार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर एक दुआ जारी फरमाई। मेरे भाइयों, ये दुआ हमें हर दिन बल्कि सुबह शाम ये दुआ हम सबको करनी चाहिए, नौजवानों को भी, बूढ़ों को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी, और छोटे छोटे बच्चों को भी ये दुआ सिखानी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल फ़क़्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीही दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन अल मअसमी वल मगरम। इन तमाम चीज़ों के अलावा जो आखिरी चीज़ है जिससे अल्लाह के नबी ने अल्लाह की पनाह मांगी है, वो है कर्ज। कर्ज की पनाह, कर्ज से अल्लाह की पनाह क्यों मांगी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हमसे ज़्यादा आपको मालूम है इसका कितना ख़तरनाक नतीजा सामने आता है, खून की नदियाँ बह जाती हैं, खुरेज वाकया सामने आते हैं, एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा घर के आपस के अफराद के अंदर भी, खानदानी रिश्तेदारों के अंदर भी। मेरे भाइयों, इस कर्ज की बुनियाद पर हम और आप इस वक्त बहुत बेचैनी के आलम में मुबतला है, शिकवा शिकायत हैं। चचा ने हमसे कर्ज लिया था, अब तक नहीं दिया। चचा कहता है भतीजा ने हमसे लिया था, अब तक उसने अदा नहीं किया। एक बहन दूसरी बहन से शादी के बाद कर्ज लेती अदा नहीं करती है, एक भाई दूसरे भाई से लेकर कर्ज अदा नहीं करता है। यहाँ तो बजोरे बाजू हो सकता है मामला आपका हल हो जाए, लेकिन याद रखिए आखिरत के अंदर ये काम चलने का नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कर्ज के मामले में कुसूल बताया, कोशिश करो कि इसकी नौबत नहीं आए और कनाज से काम लो, थोड़े बहुत जो अल्लाह पाक ने दे रखे हैं अपनी जरूरियात को समेट करके रखो और इन्हीं थोड़ी रकमों से अपनी जरूरियात पूरी करने की कोशिश करो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और भी हमें उसूल के तौर पर बताई, क्या? उन्ज़ुरु इला मन असफल मिनकुम वला तन्ज़ुरु इला मन फौकुकुम,
देखो दुनिया के मामले में, मालो दौलत के मामले में, हुस्न व जमाल के मामले में अपने से नीचे लोगों को देखो, और दीन के मामले में अपने से बड़ों को पर नजर रखो। दुनिया के मामले में अपने से कम दर्जे के लोगों को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा होगा। ये क्या, हम तो माशाल्लाह मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, हमारे घर में तो माशाल्लाह बिरयानी और इस तरह का अच्छा खाना हफ्ते में 2-3 दिन बन जाता है। मेरा एक मुसलमान भाई है जिसको नमक रोटी पर इक्तफा करना पड़ता है और दाल रोटी पर वो गुजारा करता है। छोटों पर और कमतर लोगों, कम दर्जे के लोगों पर नजर रखेंगे तो हमारे दिल के अंदर, हमारी जिंदगी में तशक्कुर और इम्तिनान के जज्बात पैदा होंगे और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करेंगे। और अगर बड़ों पर नजर रखेंगे तो नाशुक्री होगी, हुई नहीं होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है? ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मालदार इंसान थे। वो ये कहते हैं, जब तक माल रकम दौलत मेरे हाथ में थी बेचैनी का शिकार रहता था। क्यों? इसलिए कि मेरी नजर एक दोस्त पर पड़ती थी, मेरे बदन पर 200 दिरहम का कपड़ा है और मेरे दोस्त के बदन पर 500 दिरहम का कपड़ा है। तुम्हारा अच्छा, मैं 600 दिरहम का बना लूंगा। और जब 600 दिरहम का कपड़ा बनाकर पहन करके निकला, एक चीज दूसरे दोस्त से मुलाकात हुई, उसके बदन पर 1000 दिरहम का कपड़ा रखा था, उसको देखकर और बेचैनी हुई। इसी उधेड़ बुन में मेरी जिंदगी गुजरती चली गई, लेकिन जब मैंने इससे तौबा कर ली और माल और दौलत से हाथ छुड़ाया और गरीबों और मिस्किनों के बीच बैठना शुरू कर दिया, अपने से कमतर दर्जा लोगों के बीच बैठना शुरू कर दिया, तो अब मेरे भाई नजर क्या आने लगा? नजर ये आने लगा कि मेरे बदन पर 200 दिरहम का कपड़ा, मेरे बगल में बैठा हुआ भाई है उसके बदन पर तो 50 ही दिरहम का कपड़ा है। तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। ये होती है बात कि दुनिया के मामले में अपने से कम दर्जा लोगों की पर नजर रखेंगे, अल्लाह का शुक्र का जज्बा पैदा होगा, और बड़ों पर नजर रखेंगे तो अल्लाह की नाशुक्री पैदा होगी। और दीन के मामले में मामला उलट है। दीन के मामले में उसूल नबी ने ये दिया आया में, दीन के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखो। अगर हम पंच वक्ता नमाज पढ़ते हैं तो जो पंच वक्ता नमाजी है साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ता है, अवाबीन भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है। हम अगर रोजाना आधा पारा कुरान पढ़ते हैं तो हम उसको देखें जिसकी जिंदगी में रोजाना 1-2-3 पारों की तिलावत का एहतमाम होता है। तो मेरे भाइयों, ऊपर के ऊंचे के लोगों को देखेंगे तब हमें हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा अमल करने का शौक और जौक पैदा होगा। और यही अगर दीन के मामले में अपने से कम लोगों को देखेंगे, साहेब हम तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ जुमा की नमाज में आता है, ये तो ईदैन की नमाज पर इक्तफा करता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर क्या होगा? आपकी 5 वक्त नमाज भी गायब हो जाएगी। ये है उसूल जो नबी ने दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने किसी से भी कर्ज लिया है, रिश्तेदार से लिया है तब भी, किसी अजनबी से लिया है तब भी, किसी दुकानदार से सामान खरीदा है उधार तब भी, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि पहली फुर्सत में कर्ज देने वाले का कर्ज अदा कर दो और उधार सामान देने वाले का की कीमत तुम चुका दो। तुम इसकी अगर फिक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए रास्ते को आसान फरमा देंगे। जो फिक्र करता है नजात पाता है, और कर्ज की अदायगी उससे उसकी जिंदगी में हो जाया करती है, इसलिए कि उसके अंदर से फिक्र है कि कब हम उसको अदा कर दें तो अल्लाह पाक की रहमत की बारिश बरसती है और फिर ऐसे रास्ते और ऐसे वसाइल पैदा हो जाते हैं मेरे भाई कि इंसान बहुत जल्द उससे नजात पा लेता है। बुखारी शरीफ के अंदर 2-3 जगहों पर यह हदीस पाक है, बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया लिखा है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कर्ज लेने की नौबत एक दोस्त को आ गई एक दूसरे दोस्त से। 1000 दीनार लिया अपने दोस्त से, तो देने वाले ने कहा कि भाई शरीयत का हुक्म यह है कि गवाह के सामने जो है दिया जाए, गवाह पेश करो,
तो उसके दोस्त ने यानी कर्ज मांगने वाले ने कहा कफा बिल्लाह शहीदा, अल्लाह ही काफी है गवाह के सिलसिले में। तो कहा कोई कफील ही चाहिए, तुम अगर ना दो तो हम उस कफील से वसूल करेंगे। तो उस वक्त उसने भी कहा कफा बिल्लाह वकीला, अल्लाह भी वकील है कफील है और अल्लाह ही शहीद है गवाह है। दोस्त ने पैसे 1,000 दिनार दे दिए, लेकिन शरीयत का कानून यह है कर्ज लेने देने के मौके पर लिख लेना चाहिए आज की तारीख में ले रहे हैं और किस तारीख में वापस करेंगे लौटाएंगे, यह है शरीयत का उसूल और जाब्ता। बहरहाल दिन तारीख तय हो गई, जिस दिन उसको कर्ज लेकर के देकर जाना था अपने दोस्त के पास अदा करने के लिए, तो मेरे भाई उस दोस्त का घर जाने से पहले पहले एक समंदर से उसको गुजरना पड़ता है। अब उस समंदर में पहुंचा तो तूफानी और तुगयानी कैफियत है, तूफान चल रहा है, कश्ती नदारद, इधर से उधर पार होने की कोई शक्ल नहीं है। उसने खूब गौर किया तो गौर करने के नतीजे में यही सामने बात आई कि आप आज नहीं अदा कर पाएंगे। तो अल्लाह पाक ने उसके दिल के अंदर ये बात रखी और कहा कि एक लकड़ी नजर आ रही है, उस लकड़ी को उठाया और उसके अंदर सुराख किया, 1,000 दिनार उसके अंदर रखा, एक चिट्ठी उसमें लिखी और ये कहा दोस्त मैं तुम्हारा कर्ज अदा करने के लिए इंतजाम करके अपने घर से आया, तुम्हारा गांव पहुंचने से पहले जिस समंदर को पार करना था वहां कश्ती नदारत, तुम्हारे घर आने की कोई शक्ल नहीं पैदा हो पाई, ये मैं लिख के भेज रहा हूं, शायद अल्लाह ने अगर करम फरमाया तो तुम तक ये कर्ज और चिट्ठी पहुंच जाएगी। उधर दूसरा दोस्त है, वो भी ये समझ कर कि मेरा दोस्त वादे का पक्का है, झूठ नहीं बोलता है, वादा खिलाफी नहीं करता है, उस पर अच्छा गुमान रखता था, तो वो भी इस ख्याल से उसी समंदर के पास आया कि मेरा दोस्त अब आएगा कर्ज अदा करने के लिए। लेकिन इंतज़ार की घड़ी बहुत सख्त होती चली गई, उसने भी अब सोच लिया कि अब मेरा दोस्त नहीं आ रहा है, अब घर वापस जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसकी नज़र उस लकड़ी पर पड़ी जो उसी की तरफ बहती हुई चली जा रही थी। उसने कहा चलो पैसा तो नहीं मिल रहा है, कम से कम इसी लकड़ी को ले जाएंगे जलावन में, काम आ जाएगी। उठाया उसने, लिया, घर ले जा करके पहुंचा और उसके बाद कुल्हाड़ी लाई, सुखा करके लकड़ी को उसको तोड़ना चाहा, फाड़ना चाहा, तो जैसे ही उसने एक कुल्हाड़ी मारी छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। उसको ताज्जुब हुआ, लकड़ी के अंदर से छन छन की आवाज तो आज तक नहीं आई, पहली मरतबा आ रही, क्या मामला है, क्या तमाशा है। तो जब लकड़ी फटी है तो मेरे भाइयों 1,000 दिनार के सिक्के उसके पास उसमें हैं और एक चिट्ठी लिखी हुई है जिसका ये मजमून था। अब वो तो लेके घर चला गया, कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दोस्त को वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाई और मेरा पैसा भी मिल गया। इधर कुछ दिनों के बाद जब समंदर पार करने की सूरत पैदा हो गई तो फिर 1,000 दिनार लेकर ये दोस्त वहां तक पहुंचता है और जाकर मुलाकात करता है और ये कहता है दोस्त वादा खिलाफी तो मैंने जानबूझ करके नहीं की, लेकिन ये उज्र था, इस मजबूरी की बुनियाद पर वक्त पर पैसा मैं तुम तक नहीं पहुंचा सका, ये 1,000 दिनार लेकर आया हूं, इसे तुम कबूल कर लो और कर्ज को वसूल कर लो। वो दोस्त कहता है अच्छा ये कैसा कर्ज और ये कैसा पैसा, ये पैसा तो तुम्हारा हमको मिल चुका है, लकड़ी में सुराख लगा कर तुमने डाल दिया था, वो मुझ तक पहुंच गया है। मेरे भाइयों ये कर्ज लेने वाला साथी इसने ये नहीं कहा कि मैंने ये तरकीब अपनाई थी, ये एहसान वाली बात नहीं बताई, लेकिन बहरहाल बात बन गई। इसलिए कर्ज के सिलसिले में एक बात यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफ्सुल मुमिन मुअल्लकतुम बिदैनिही हत्ता युक्ज़ा अन्हु दैनुहू, ये मोमिन की रूह की नजात मुअल्लक हो जाती है, उस वक्त तक उसको नजात नहीं मिलती है जब तक कि उसकी तरफ से उसके वारिसान उसके रिश्तेदार कर्ज को अदा नहीं कर देते हैं। मेरे भाइयों एक बात ये, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजे आते थे, आप पूछा करते थे इसने कर्ज तो किसी से नहीं लिया था और ये पता अगर चल जाता कर्ज लिया अदा नहीं किया, अदा करने से पहले ही इसकी मौत हो गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस किसी ने कर्ज लिया और उसकी अदायगी की फिक्र नहीं की और अदा करने से पहले ही उसने उसका इंतकाल हो गया
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, इस बुनियाद पर अदायगी की सूरत नहीं बन पाई, तो अब उसकी सजा यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो चोर की शक्ल में मिलेगा। इसलिए हमको आपको ये पैगाम इस इजलास के जरिए से हम आपको देना चाहते हैं कि अगर कर्ज आपने किसी से ले रखा है, ज़मीन की खरीदारी में, मकान की खरीदारी में, या किसी भी चीज़ की खरीदारी के मौके पर, तो आइए आज हम इस पैगाम को लेकर के जाएं और पूरी ज़िंदगी में इस पैगाम को अमली जामा पहनाएं, और जिससे भी लिया है इंशाल्लाह मौत से पहले पहले हम हर एक कर्ज़दार के कर्ज को अदा करके जाएंगे। ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह मौत भी अच्छी आएगी और इंशाल्लाह जन्नत में आला मकाम भी ईमान की बुनियाद पर नसीब होगा। अल्लाह पाक से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक हमें भी और सामईन हजरात को भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।